नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ वैभव अग्रवाल और अभी ठंड का मौसम बहुत अच्छी तरीके से चालू है। धुंध भी हो जाती है यहाँ पर मुंबई में सुबह सुबह, हालांकि इतनी ठंड नहीं होती, पर ठंड में जनरली द मेन थिंग व्हाट पीपल क्रेव फॉर इज अ हॉट कप ऑफ टी एंड सुबह सुबह गार्डन्स में मॉर्निंग वॉक, गार्डनों में, जंगलों में। यहाँ पर हमारे आरे कॉलोनी, आरे का जंगल है, संजय गांधी नेशनल पार्क है। बट आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूँ जो अपने साथ पूरा गार्डन या पूरा जंगल लेकर ही चलते हैं। इस तरीके का इनका जो नेचर लव है, जो पर्यावरण की तरफ इनका प्रेम है, ऐसा लव, ऐसा प्रेम मैंने कभी नहीं देखा एंड आई होप आपने भी कभी नहीं देखा होगा। सो आज मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ यूसुफ भाई से। सो चलिए इनसे मिलते हैं और इनकी पर्यावरण प्रेमी ये जो ऑटो है जिसमें ये पूरा गार्डन और पूरा बगीचा बना के अपने साथ चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हाँ, तो हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, यूसुफ भाई मंत्री पार्क के यहाँ पे रहते हैं, शिव साई सोसाइटी में ये रहते हैं। तो यूसुफ भाई, ये आपने जो ये पर्यावरण प्रेमी का जो आपने ये ऑटो का जो थीम है, जिसमें सब ये रियल प्लांट्स लगे हैं, हम मनी प्लांट भी देख सकते हैं और तरह तरह के यहाँ पे जो है प्रजातियाँ हैं पौधों की, और आपने ये जो आर्टिफिशियल टर्फ लगाया है यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, अपने सीट पर भी, और अंदर भी बहुत सारे आर्टिफिशियल फूल हैं, तो ये पर्यावरण प्रेमी जो आपने टाइटल दिया है, ये कहाँ से आपको आइडिया कहाँ से आया? ये मेरे दिल से था, इधर शौक पेड़ पौधे लगाने का। अगर रिक्शा मिला, मौका है, तो मतलब रिक्शा से अच्छा मैं किधर जाएगा नहीं। हाँ, तो मतलब एक अपना काम के साथ में, मतलब देश एक में भी एक बहुत जरूरी है, पर्यावरण इम्पोर्टेंट है। हाँ, पानी बचाओ स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई, तो वो हिसाब से बनाया था। और मुंबई की पब्लिक, मुंबई कर अपने गाड़ी में रिक्शा में बैठेंगे, उनको एक पर्यावरण की महक से खुशबू से, मतलब एक सुंदरता है, अच्छा फील महसूस होगा, ये सोच के बनाया था कि मतलब जो भी आपके ऑटो में बैठेगा तो उसको एक जो पर्यावरण की तरफ जो एक प्रेम है, जो नेचर को साफ सुथरा रखें, अपने वातावरण को साफ सुथरा रखें और ग्रीन रखें। सो जैसे ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया हम कहते हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई, यानी कि साफ मुंबई और हरी मुंबई, ये जो मैसेज दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत यूसुफ भाई ने, ये तो ये आपने अपने हिसाब से लिया कि गवर्नमेंट ने आपको इसके लिए पैसे वगैरह कुछ दिए हुए हैं? अपने हिसाब से, मेरी इच्छा थी। तो इनकी रिक्शा है और इन्होंने अपनी मर्जी से ये सब किया, तो जिनको भी लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इनको कुछ पैसे दिए रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूसुफ भाई, आपकी उम्र कितनी होगी सर? उम्र मेरी 49 है। 49 के ये हैं, और ये आपने ये हरी ऑटो, ये आपने कब से आप चला रहे हैं ऑटो? ये कब से हो गया, 2.5 साल। 2.5 साल से आप ये ग्रीन ऑटो चला रहे हैं। इसके पहले आपकी ऑटो एकदम सिंपल, बेसिक थी। सिंपल। तो यानी कि जब से स्वच्छ भारत का आया है उसके बाद से आप इसके लिए इंस्पायर हो गए हैं। और ये आप सब पौधों की देखभाल कैसे करते हैं, मतलब अपने ऑटो को आप साफ कैसे रखते हैं? इस समय से जो पानी डालना पड़ता है, उसको गमले से निकालना पड़ता है, साफ सफाई रखना पड़ता है, उसके हिसाब से तो आपको वही हिसाब से सारा काम करने पड़ता है। और जब भी कोई मतलब यात्री आता है आपके ऑटो में, तो पहला उसका रिएक्शन क्या रहता है, मतलब जैसे वो एकदम अच्छा फील महसूस करता है? बिल्कुल। तो मैं भी सोचता हूँ चलो मेरी मेहनत सफल होगी, मेरे देशवासी मेरे गाड़ी में बैठे, मेरी यही कोशिश थी कि तो मेरे गाड़ी में बैठे एकदम संतुष्ट रहे, अच्छा रहे, काम दा करे, सुरक्षित और सुंदर रहे, ऐसे मेरे था दिल के अंदर, तो वो बैठ के अच्छा महसूस करते। तो जैसे कि यूसुफ भाई ने हमें बताया कि अच्छे फील करते हैं लोग और एक पर्यावरण की तरफ इनका जो है अट्रैक्शन और जो इनका प्यार है वो उन्होंने साफ दर्शाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मीटर भी है, मीटर बॉक्स को भी इन्होंने आर्टिफिशियल टर्फ से कोई भी कोना अपने ऑटो का इन्होंने छोड़ा हुआ नहीं है। तो यूसुफ भाई, आपका आगे क्या प्लान है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि मैं एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं, तो आपके अकॉर्डिंग ये मैसेज कितना पहुंच रहा है और ये आगे कहां तक जाएगा? हर पब्लिक देखते, तारीफ करता, अच्छा लगता है, सब हाथ बताए, लाइक देते, खुश होते, मेरे हिसाब से डेली मैसेज तो पहुँचता ही है। और इसको देख के मतलब कोई सोचेगा पेड़ पौधा लगाने के, मतलब मेरे गाड़ी में बैठे उनको भी संदेश देता हूँ, छोटे छोटे पौधा लगाया करो ताकि अपने जीवन में अच्छी बाहर आ जाए पर्यावरण। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने यूसुफ भाई से सुना, हम अपने घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं और कभी कभी वहाँ पे भी लोग ध्यान नहीं देते, वहाँ भी पेड़ पौधे मर जाते हैं, लेकिन
यूसुफ भाई एक इतनी बड़ी मिसाल है इस तौर पे ये बताने के लिए कि इंसान चाहे तो कहीं पर भी अपने पसंद की चीज़ अपने शौक़ को पूरा कर सकता है। जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इन्होंने घर में जगह नहीं मिली या कहीं पे भी जगह नहीं मिली तो इन्होंने पौधों को अपने साथ में लेकर चलना मुनासिब समझा। और उसी तरीके से आज इनकी ऑटो, मैंने आपने पहले भी बताया था कि ये न्यूज़पेपर में भी दो तीन बार आ चुका है। कौन से न्यूज़पेपर में आया यूसुफ भाई? नव भारत टाइम्स में इनको पब्लिक ने बताया कि पहले भी इनकी ऑटो आ चुकी है नव भारत टाइम्स में। तो इस तरीके से एक सिर्फ प्रकृति की तरह सच्चा प्यार और इस तरीके का डेडिकेशन आपको कितनी अलग खुशियां दे सकता है, किस तरीके से लोगों को मैसेज दे सकता है। और ये भी कहने की बात नहीं है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। लोग अपनी बड़े बड़े मर्सिडीज में BMW में बैठकर भी उसको आज बहुत ही वेस्टर्न स्टाइल से डेकोरेट करना चाहते हैं, लेकिन यूसुफ भाई की जो छोटी सी ऑटो है उसको भी कितने प्यारी तरीके से इन्होंने सजा के रखा है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख है कि पर्यावरण से प्रेम करें। और जब यूसुफ भाई ने छोटी सी ऑटो में कोई बहाना नहीं ढूंढा पर्यावरण से दूर भागने का, तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं? अभी इनकी ऑटो की तरफ हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे और देखेंगे कि इनकी ऑटो में क्या क्या लगा हुआ है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से एक अच्छा सा मिरर, अपने लिए पंखा और ये अपने हिंदुस्तान का झंडा तक यहाँ लगा रखा है। और ये जो इन्होंने एक मिलिट्री का पैटर्न एक दिया हुआ है यहाँ पर, तो किस तरीके से इनकी देशभक्ति और प्रकृति की तरफ प्रेम दोनों दिखाई देता है। और साथ में ये ऊपर इन्होंने लाइट्स बहुत अच्छी लगा रखी है, तो ये रात के टाइम पर इनकी ऑटो पूरी हाईलाइट हो जाती है। और इन्होंने बहुत सारी, आप देख रहे हैं पूरा थीम, सीट भी इन्होंने जो है आर्टिफिशियल टर्फ वगैरह से कवर करके रखी हुई है। तो यूसुफ भाई, ये मैं आपको एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आपके दिन की आप कितना इनकम कितना आपकी जनरेट हो जाती है? 700, 800, 900, 1000 एवरेज, मतलब 800-900 के हिसाब से आपकी इनकम जनरेट हो जाती है। तो ये लॉकडाउन के टाइम में या उससे पहले ये ऐसा हुआ है? उसके पहले लॉकडाउन के बाद से ऐसा, उसके पहले थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, 1200-1300 हो जाता था, अभी थोड़ा कम है। तो 1200-1300 दिन की आमदनी और अभी तो 700-800 में जो इनका डेली का जो ये कमा रहे हैं उसके हिसाब से भी इतनी सुंदर ऑटो इन्होंने डेकोरेट कर रखी है। तो जो आपको, आपके जो ऑटो के यूनियन वाले हैं या जो आपके ऑटो के दूसरे जो भाई हैं, तो उनको भी आप इसी चीज़ के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि इस तरीके की ऑटो आप डेकोरेट करें, या उनका क्या मानना है इस बार? मैं उनको बोलता हूँ, वो लोग भी इच्छा रखते हैं, लेकिन कोई ऐसा आगे नहीं आता। एक दो है तो जो आप उनके अपने हिसाब से करते हैं। क्यों, लेकिन वो क्यों नहीं इस तरीके से अपनी ऑटो जब आप कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर पा रहे? अभी शायद उनका कोई दिलचस्पी नहीं होगा, जिसे दिलचस्पी वो करेंगे। ऐसे हम, हमारा काम है जागरूक करना। सही बात है, मैं जागरूक करता हूँ, उनको समझाता हूँ, कुछ हेल्प तो बोलो नहीं है तो बना के देता हूँ, बहुत से लोगों को देता हूँ अपना, ऐसे कोई तालीम हुआ मांगते ये मांगते उनको ला के देता हूँ। सो यूसुफ भाई अपने जो ऑटो के भी जो दूसरे ऑटो वाले भाई हैं उनको भी कहते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि आप भी इस तरीके से ऑटो बनाएं। और जैसे ही आर्टिफिशियल टर्फ इन्होंने यहाँ पे लगा के रखी है, तो वो उन्हें ये टर्फ ला के भी देते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं ला के देता हूँ, आप अपने ऑटो में भी लगाएं, बट जितनी हो सके उतनी ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। तो हम और आप जैसे लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो हम इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं या वो लोग जिनके पास इससे कहीं ज़्यादा साधन है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये यही यूसुफ भाई का मैसेज है। कोई मैसेज आप अपनी तरफ से और हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? तो खुश रहो, पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण की महक सब एकदम अमन सुख की तरफ लेके जाएंगे, मेरा ही सोचना है। तो यूसुफ भाई के हिसाब से ये कह रहे हैं कि पर्यावरण की महक जितनी हो सके उतनी फैलाओ, ताकि आपके जीवन में भी महक आए और आप हमेशा यूं ही महकते रहिए पर्यावरण के साथ। और हमारे प्रधानमंत्री का मैसेज बिल्कुल नहीं भूलें, स्वच्छ भारत, सेहतमंद भारत, ये बिल्कुल ना भूलें। सो जैसे यूसुफ भाई ने कोई बहाना नहीं ढूंढा, उन्हें जब अपनी पर्यावरण प्रेम जो है इन्हें जब बढ़ाना था, इन्होंने अपने ऑटो के ही माध्यम से बढ़ाया। सो हम भी वैसे ही कर सकते हैं, आप भी अपने अपने माध्यम से। देखिए, बहाने बनाने के लिए 10 होते हैं, लेकिन जब इंसान चाहे तो हर एक काम कर सकता है। सो जहाँ चाहे वहाँ रहा है। सो इसी के अकॉर्डिंग बस मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय काम के साथ, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से कर रहे हैं काम। अभी पीछे में जो गाड़ी के जो डिग्गी खुलता है ना, हाँ, इसके पीछे वो अभियान के आचार्य।